नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी प्रिय दर्शक जानते हैं कि आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख हमेशा की तरह उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ कि यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मुझसे इस कार्यक्रम के द्वारा वीडियो के माध्यम से कराना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का समय और आपके जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी टीम की कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द आपके सवाल का चुनाव किया जाए और आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा यहाँ पर किया जाए। तो बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अपनी बात को मैं दोहरा देता हूँ कि अगर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो पूरा अंत तक देखिए ताकि आप ज्योतिष से संबंधित बातों को सीख भी सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है तो ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच पाएगा और साथ ही साथ अपने कॉन्टैक्ट में आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी लोग ज्योतिष को सीख सकें और उनकी भी जन्म कुंडली का अध्ययन अगर वो कराना चाहते हैं तो जन्म कुंडली का अध्ययन करें। तो बिना विलंब की शुरुआत करते हैं और आज का कार्यक्रम जो है ये हमारा 20वें नंबर का प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 20th है और 187 कुंडलियों का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज की जो पहली कुंडली होगी वो 188th कुंडली होगी। तो आज की पहली जन्म कुंडली है काजल महुले जी की। तो काजल जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं दे रहा हूँ। काजल जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 3 अप्रैल 1999। काजल जी ने जन्म का समय दिया है सुबह के 10:45 10:45 AM और प्लेस ऑफ बर्थ है इनका महाराष्ट्र में यवतमाल। तो काजल जी की जन्म कुंडली बनती है मिथुन लग्न की, राशि आपकी तुला है तो ये वायु तत्पी लग्न और वायु तत्पी राशि ये अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। गुरु की महादशा में राहु का अंतर अभी आपको चल रहा है तो समय अभी उतना ज़्यादा बेहतर आपका है नहीं। जॉब कब मिलेगी और विवाह कब होगा? तो देखिए मैं जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में किसी एक कुंडली का चयन, एक किसी एक सवाल का चयन होता है तो मैं आपका जॉब वाला प्रश्न ले लेता हूँ। विवाह से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकती हैं, बाकी देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आपकी कुंडली में देखा जाए तो लग्नपति जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं 26° पर बुध जो कि मृत अवस्था में है तो कहीं ना कहीं ये कमजोर हुए। दशमपति का दशम भाव में होना ये अच्छी स्थिति है कि दशम भाव आपका मजबूत दिख रहा है। सूर्य और गुरु की युति यहाँ पे शिक्षक योग का निर्माण और तुला राशि होना आपको चल रही है शनि की ढैया। साथ ही साथ शनि और चंद्रमा का आमने सामने होना विष योग बनेगा, फलस्वरूप आपको मानसिक अशांति और परेशानी इस समय पर हो रही होगी। लग्न पर शनि की दृष्टि का पड़ना अक्सर आप सुनते आए हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली है होगा वही जो आप चाहते हैं बस तब नहीं जब आप चाहते हैं, तो प्रत्येक चीज़ें जो मिलेंगी वो विलंब के साथ में मिलने वाली हैं। गुरु की महादशा में राहु का अंतर अभी आपको चल रहा है तो कोई बहुत अच्छा समय तो अभी मैं नहीं देख रहा हूँ इस समय पर, लेकिन फिर भी अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से मई 2022 के बाद में नौकरी लगने की संभावनाएं बनती हैं। अब किस तरह की जॉब के लिए आप प्रयास कर रही हैं ये मैं नहीं जानता हूं और क्या आपका ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो चुका है नहीं हुआ है मुझे आपकी स्थिति के बारे में पता नहीं है क्योंकि 99 का आपका बर्थ है। आपकी कुंडली जो बिल्कुल करीब में जिस योग को दिखा रही है कि अगर आपने इधर प्रयत्न किया तो आपकी नौकरी हो सकती है वो है 16 मई 2022 के बाद आने वाला योग। तो 16 मई 2022 के बाद जो योग आ रहा है वो आपकी कुंडली में नौकरी प्रदायक मैं उसको देखता हूँ। अगर आप प्रयास करती हैं तो मई 2022 के बाद आप नौकरी ले सकते हैं। उपाय के लिए आप दुर्गा जी की आराधना करिए और सूर्य को जल देने की आदत डालिए, यही दो उपाय आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है विजय इसरानी जी की। तो विजय जी तैयार रहिए, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूँ। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है, अच्छा आपने तो सर आपका बस इतना ही कमेंट मेरे पास में आया है कि सर आई एम सेंडिंग यू माय सन्स डिटेल, प्लीज टेल अबाउट हिज फ्यूचर प्रोग्रेस, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन ही विल चूज, आई मीन बिजनेस और जॉब गवर्नमेंट। सर बस इतना ही आया हुआ है, यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं आई है। आपने बोला जरूर है कि आप भेज रहे हैं बट इतना ही क्वेश्चन आया है। मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ आपका है ना और मैं देखता हूँ इसको, तो मैं आपका चेक करा लेता हूँ कि यहाँ पे क्यों नहीं आई है डिटेल्स, देन हम इस बारे में आगे करेंगे आज ही के प्रोग्राम में, मीन्स लास्ट में मैं देख लेता हूँ इसको, चेक करवा के ऐड कर देता हूँ इसी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं और प्रकाश राजा जी की जन्म कुंडली है।
हो सकता है कि वो वीडियो में ये कमेंट सिलेक्शन के टाइम पे डिटेल्स ऊपर नीचे हो गई हो, तो रह गई हो, एक चीज़ ये हो सकती है, या फिर कमेंट में आई ना हो। मैं चेक करवा लेता हूँ, अगर होगा तो मैं लास्ट में ऐड करवा देता हूँ। 26 फरवरी 1986 प्रकाश जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, तो 26 फरवरी 1986 सुबह के 10:43, और जन्म स्थान है पाली, राजस्थान। प्रकाश जी मेष लग्न है, राशि कन्या बनती है, लग्न में राहु का होना, राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर, मानसिक रूप से स्थिति तो अभी आपकी भी ठीक नहीं देख रहा हूं मैं। गवर्नमेंट जॉब किस लेवल की होगी, अपनी बारी की प्रतीक्षा रहेगी, वैन ही विल गेट स्टेबल हिज डिटेल्स। आपने दो कुंडलियां दी हुई हैं क्या एक ही नाम पे? देखिए, एक ही कुंडली का अध्ययन होगा, ये 26 फरवरी 1986 वाली है ना, और आपकी गवर्नमेंट जॉब का मैं देख लेता हूँ। लग्नपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन स्वग्रही तो अवयोग यहाँ पे नहीं माना जाएगा। सूर्य के पास में 13 अंश का बल है आपकी कुंडली में, दशमपति अष्टम भाव में बैठे हैं, संघर्ष होगा थोड़ा सा। गवर्नमेंट जॉब है इस कुंडली में, ना नहीं कहूँगा मैं, लेकिन लग्न में राहू का होना भ्रम की स्थिति भी बनती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे बी ग्रेड या सी ग्रेड गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं आपकी कुंडली में। अगली जन्म कुंडली है अर्णिमा शर्मा जी की, तो अर्णिमा जी आप तैयार रहिए, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूं। अर्णिमा जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 17 अक्टूबर 2003, जन्म का समय आपने बताया हुआ है 1757, शाम को 5:57, और हिमाचल प्रदेश कांगड़ा। मेष लग्न है आपका भी, राशि आपकी मिथुन बनती है। अरुणिमा जी 12th कंप्लीट करी है, और मैं मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों कर रही हूँ, ठीक है, और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेडिकल लूँ या नॉन मेडिकल। मैं अपना करियर प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर दें कि किस फील्ड में लूँ और क्या बनूंगी। जी ठीक है, मेष लग्न की कुंडली, लग्नपति जाके लाभ भाव में बैठे हैं, मंगल जो कि कुमार अवस्था में 9 अंश का बल है इनके पास में, शनि के घर में मंगल का होना लाभ भाव में अच्छा है, ये मेडिकल के दृष्टिकोण से भी कुंडली ठीक है, और नॉन मेडिकल देखा जाए तो टीचिंग इस कुंडली में सबसे बेस्ट होगा। टीचिंग आप मेडिकल के साथ साथ टीचिंग कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। टीचिंग इस कुंडली में सर्वश्रेष्ठ हो है एक करियर ऑप्शन, आप टीचिंग की तरफ जाइए, और आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, बट अगर आपने प्लान किया हो तो आप लेक्चरारशिप वगैरह की तरफ जाएं, वो आपके लिए मैं बहुत अच्छा देखता हूँ। गुरु के पास पंचम भाव में गुरु का होना और 16 अंश का बल होना, और गुरु पर मंगल की दृष्टि, गुरु मंगल का आमने सामने होना, लग्न और लग्नेश पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, टीचिंग आप बहुत अच्छे से किसी चीज़ को सिखा सकती हैं, ये गुण है आपके अंदर, प्रकृति ने विद्वान करके रखा है आपके अंदर, ये विद्यमान है ये गुण आपके अंदर, तो आप टीचिंग की तरफ जाइए, टीचिंग में जाना आपका सबसे ज़्यादा मैं बेहतर देखता हूँ। आप टीचिंग की तरफ जाएंगे वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। उपाय के लिए सूर्य को जल दिया करिए, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगली जन्म कुंडली है गौरव पटेल जी की, दो अक्टूबर 1990 जन्म का समय है सुबह के 9:04, और सूरत गुजरात। गौरव जी तुला लग्न है, राशि आपकी कुंभ बनती है, तो भूमि तत्व वायु तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि अत्यंत श्रेष्ठ हुआ, ये चल रही है आपको 7.5 और चंद्रमा है शनि से दृष्ट, फलस्वरूप मानसिक अशांति परेशानी आपके साथ भी स्थिति बनी होगी। तुला लग्न की कुंडली में शनि की महादशा आपको है, और शनि में शुक्र का अंतर 25 जुलाई 2021 के बाद से, समय बहुत श्रेष्ठ है, बट मानसिक अशांति और परेशानी तो ये बनी होगी आपके साथ। प्रश्न है आपका जॉब और बिजनेस, डेट मास्टर डिग्री इन 2012, एवरीथिंग वाज गुड बट अनएम्प्लॉयड सिंस मार्च 2018, टाइम कब बदलेगा, मेहनत तो हो रही है बट नहीं बन पा रहा है। टाइम बदल चुका है गौरव जी, 25 जुलाई के बाद में शनि की महादशा में शुक्र का अंतर आ गया है, आपके हिसाब से मैं देखूँ तो बुध आपके 0 अंश पर है उच्च राशि में मृत अवस्था में, और शनि के पास देखा जाए तो 25 अंश का बल है। वर्तमान समय में आप नौकरी की तरफ ही जाइए,
अप्रैल 2022 के बाद में नौकरी मिलने का योग है, नौकरी लगने का योग है। देन आगे चलकर के कुछ समय के बाद में आप 2027 के आसपास आप व्यापार की तरफ बढ़िएगा, लेकिन फिलहाल में आप नौकरी की तरफ जाइए। अप्रैल 2022 के बाद में आपकी कुंडली में नौकरी लगने का प्रबलतम योग मैं देखता हूँ। और रही बात आपकी मेहनत हो रही है बट नहीं बन पा रहा है, तो ये इसका कारण है साढ़े साती का होना। शनि की साढ़े साती में पराक्रम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो पराक्रम को अपना मित्र बनाइए। शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, दिमाग तेज़ है आपका। गुरु उच्च राशि में बैठे हैं, दशम भाव में हंस नामक महापुरुष योग लगाते हुए, हालांकि इस लग्न में कारक नहीं होते लेकिन फिर भी महापुरुष योग का फायदा मिलेगा। षष्ठपति जाकर के दशम भाव में बैठे हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह की तैयारी है या कंपीट करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपकी कुंडली में योग अच्छे लगे हुए हैं। तो नौकरी का योग है, वर्तमान समय में आप नौकरी में ही जाइए, नौकरी में ही ग्रोथ के योग अभी मैं देख रहा हूँ आपकी कुंडली में। और अप्रैल 2022 के बाद में आपकी कुंडली में नौकरी लगने का प्रबल योग बन रहा है, तो आप नौकरी के लिए प्रयासरत होइए। हालांकि नौकरी अभी चाहें तो आप अभी भी देख सकते हैं, नौकरी के योग चल ही रहे हैं क्योंकि शनि में शुक्र ठीक है। लग्नपति 12वें ग्रह नीच राशि में बैठे हैं तो थोड़ा सा परेशानी ये है, हालांकि वही शुक्र नवमांश में चुके हैं तो मैं ठीक समझता हूँ इसको। माँ दुर्गा की आराधना, हनुमान जी को इष्ट देवता मानते हुए नित्य 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, शनिवार के दिन 7 पाठ करना शुरू करिए। एक लोहे का छल्ला, नाव के लोहे का छल्ला लेकर के शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप इतने उपायों को करिए और नौकरी के लिए प्रयासरत हुई अभी नौकरी की तरफ जाइए, देन इन फ्यूचर 2027 के बाद में आप व्यापार की तरफ आगे बढ़ जाइएगा। पुनीत शर्मा जी की कुंडली है, तो पुनीत जी आप तैयार रहिए, आपका चार्ट में ले रहा हूँ 16 फरवरी 1993। जन्म का समय है सुबह के 5:31, या राजस्थान स्टेट आपने दिया है और दौसा देख लेते हैं। मकर लग्न आ रहा है आपका, राशि धनु आ रही है, लग्नपति का लग्न में होना, शश नामक महापुरुष योग, लेकिन ये शनि बालावस्था के हैं, ठीक है। बहुत बड़ा प्रश्न है आपका, 2015 में कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया लेकिन मेरे करियर में कोई बदलाव नहीं आया, मैं पहले भी वैसा ही था आज भी वैसा ही हूँ और ना ही प्राइवेट सेक्टर में मेरी जॉब लगी और अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। तो इसलिए सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, लगेगी कुंडली के हिसाब से मेरे सितारे क्या कहते हैं, एवं विवाह के भी योग बन रहे हैं और विवाह कब तक है। देखिए विवाह का जो आपका प्रश्न है सर वो मैं यहाँ नहीं लूँगा क्योंकि इस कार्यक्रम में किसी एकमात्र प्रश्न का चुनाव होता है, मैं अक्सर कहा करता हूँ। तो आप अगर संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है, आप कर लीजिए, आपकी कुंडली का अध्ययन वहाँ हो जाएगा। अब बात रही आपकी नौकरी का, वो देख लेते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि लग्नपति लग्न में ही बैठे हैं, वो है शनि, मकर लग्न की कुंडली है, यानी कि विलंब से आपको मित्रता बनानी होगी। शश योग में जो सब चीज़ें तो महापुरुष योग की हैं, बस जो एक परेशानी होती है वो होता है विलंब, हर चीज़ विलंबित होकर के ऐसे व्यक्तियों को मिलती है, तो विलंब है इस कुंडली में। धनु राशि, अभी तक आप साढ़े साती देख रहे थे और अब आप खुद ही समझिए मकर लग्न की कुंडली में सूर्य की महादशा जो कि अष्टम पति होते हैं, तो अष्टमेश की महादशा, कहीं ना कहीं समय तो ठीक नहीं था ना। सूर्य में शनि आ रहे हैं जो कि लग्नेश है, 25 दिसंबर 2021 के बाद से आपकी कुंडली में अच्छा समय शुरू हो रहा है। और रही बात आपकी सरकारी नौकरी की, दशम पति पराक्रम भाव में उच्च राशि में बैठे हैं 16 अंश पर और सूर्य के पास में 3 अंश का बल होना जो कि बाल अवस्था में है, ले सकते हैं आप नवमांश में दशम में ही सूर्य बैठे हैं, प्रयास करें तो ले जरूर सकते हैं बट सर विलंब होगा। जून 2022 के बाद में सरकारी नौकरी के योग है, प्राइवेट के लिए अभी प्रयासरत होइए, प्राइवेट लीजिए। और प्राइवेट भी आपने बताया कि आप कोशिश कर रहे हैं बट नहीं मिल पाई, कारण यही था साढ़े साती चल रही थी अभी तक आपको सूर्य की महादशा, अब मकर लग्न की कुंडली में सूर्य की महादशा तो कारक कहीं से भी नहीं है, अति शत्रु होते हैं लग्नेश के सूर्य आपके, तो ठीक है अब समय है बढ़ रहा है आगे। दिसंबर 2021 के बाद से 2022 जो है वो आपके लिए मैं बेनिफिशियल देख रहा हूँ। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है तो लगे रहिए, सूर्य की महादशा है, सूर्य सरकार के कारक होते हैं तो यहाँ पे ये नौकरी दिलाने का काम करते हैं। सूर्य को जल दीजिए, पिता का सम्मान किया करिए। गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपते नमः, नित्य 3 माला कर जाप करना शुरू करिए और हनुमान जी की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा, प्रयासरत रहिए सरकारी नौकरी के लिए। अगले साल में योग बनते हैं, भगवान ने चाहा तो वहाँ पे आपके योग बन रहे हैं, वहाँ पे आपकी सरकारी नौकरी होने की संभावनाएं प्रबल दिखाई पड़ती हैं। तो ये था आपकी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अध्ययन, विलंब है इस कुंडली में, मिलना है बट विलंब से। अस्मिता पांडा जी की कुंडली है, आ
आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई सन्स एजुकेशन एंड करियर। ये अपने बच्चे की कुंडली दिखाना चाहते हैं जिनका नाम है अनिमेश। ओके, अनिमेश जी का डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 2006। जन्म का समय है सुबह के 5:03, बरहामपुर उड़ीसा। धनु लग्न के हैं ये, राशि वृषभ बनती है, लग्नपति जाकर के बैठे हुए हैं लाभ भाव में शुक्र के घर में, और शुक्र का जाकर के दशम भाव में द्वितीय धन भाव में बैठना महाधनी योग हुआ। धनपति अष्टम भाव में बैठ के धनेश अपने ही घर को और लाभेश को देख रहे हैं, ये भी बढ़िया है। आपने पूछा एजुकेशन, पंचम भावपति पंचम भाव में, द्वितीय भावपति द्वितीय भाव को देखते हैं और भाग्येश लग्न में बैठे हैं उच्च शिक्षा के मालिक। पढ़ाई अच्छी है इस कुंडली में मैम, लेकिन देखिए एक बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए, पढ़ाई है इस कुंडली में, कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। पंचम पति मंगल का पंचम भाव में होना बढ़िया है। बालक को राहु की महादशा चल रही है, और अक्सर आपने मेरे कार्यक्रम अगर आप देखते हैं तो सुना होगा कि बाल्यकाल में अगर राहु की महादशा आ जाए तो शिक्षा को ये पूरी तरह से बाधित कर देती है। तो सवाल उठता है कि आप द्विअर्थी बातें कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि शिक्षा इस कुंडली में अच्छी है, और दूसरा आप कह रहे हैं कि शिक्षा को राहु बाधित करते हैं। जी बिल्कुल, दोनों ही बातें यहाँ पर बन रही हैं। पंचम भाव में पंचम पति का बैठना, वो भी गुरु की दृष्टि से दृष्ट, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस कुंडली में शिक्षा दिखती है। राहु की महादशा में गुरु का अंतर अभी है, जून 2022 तक फिर शनि आएंगे, इनके स्वास्थ्य में परेशानी। राहु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं छाती से संबंधित, कफ से संबंधित परेशानियां इनको होंगी। माता के साथ संबंधों को खराब करना ये होगा, और संगति बिगड़ने की संभावनाएं यहाँ पर सबसे ज्यादा बन रही हैं, क्योंकि चतुर्थ में राहु हैं और महादशा राहु की है, शनि आने वाले हैं, कुंडली धनु लग्न की है। संगति का ध्यान रखिए इनकी, इनकी मित्रता किस प्रकार की बन रही है, क्योंकि 2006 के जन्म है ये, इस बात को भी ध्यान रखिए कि मित्रता कैसी बन रही है। पढ़ाई है इस कुंडली में, बट राहु की महादशा बाधित करेगी। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इनसे रोज 3 माला जाप कराइए, चाहें तो ब्राह्मण बैठा के कर भी सकते हैं, आप भी इनके लिए ज्यादा से ज्यादा करिए, कोशिश करिए कि यही करें। हनुमान जी इनके इष्ट देवता हैं, हनुमान जी के मंदिर में इनको लेकर के जाइए, हनुमान चालीसा का इनसे पाठ कराइए। घर में भी हनुमान जी की आराधना होनी चाहिए, सूर्य से जल देने की आदत इनको डलवाइए, और 1.75 या 1.75 रत्ती के आसपास का लाजव्रत बनवा के चांदी की अंगूठी में शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में इनको धारण कराइए। इतने उपायों को करिए आप, और जो उपाय मैंने आपको बताए इन सभी उपायों को करिए, लाजव्रत इनको धारण करवाइए, गणेश जी की आराधना, और गुरुवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन इनके माथे पर केसर का तिलक लगवाइए। इतने उपायों को आप करिए और इनको आगे बढ़ने दीजिए, दिशा इनको मिलने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए। इनकी संगति का आप स्पेशली ध्यान रखिए। शिक्षा है इस कुंडली में, बट राहु की महादशा अपना काम करेगी। बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम, ये राहु का प्रभाव है, तो बुद्धि को भ्रमित करने का ये काम करेंगी। इनकी संगति का ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन में भी कमी आएगी, ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी कुंडली अच्छी है, लेकिन समय जो है वो भी फेवर में नहीं चल रहा। अगली कुंडली है रघुवेंद्र सिंह जी की। तो रघुवेंद्र जी, आपकी कुंडली मैं ले रहा हूँ, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 23 अप्रैल 1989। जन्म का समय आपने दिया हुआ है 2:55 और उत्तर प्रदेश में जलौन। रघुवेंद्र जी कुंभ लग्न है और राशि आपकी तुला बनती है। वायु तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि अच्छा है। लग्न में राहु का होना भ्रम की स्थिति यहां भी बन रही है। 7 साल से सीए के एग्जाम दे रहा हूं लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, क्या मैं सीए की जगह एमबीए करूं? सरकारी नौकरी के योग है, उपाय भी बताएं। सरकारी नौकरी के योग है आपकी कुंडली में, सीए में परेशानी। बुध आपकी कुंडली में देखा जाए तो मृत अवस्था में है, प्रयास कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है। बुध की महादशा ही आपको चल रही है, बट लग्न में राहु का होना और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि का पड़ना, कंसंट्रेशन में, तैयारी में और परफॉर्मेंस में कमी है। एमबीए की तरफ आप जा सकते हैं, सरकारी नौकरी की तरफ आपको प्रयास करना चाहिए। सरकारी नौकरी आपकी कुंडली में अत्यंत श्रेष्ठ है। गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपते नमः, नित्य 3 माला रोज जाप करना शुरू करिए। बुधवार के दिन ब्रश में, टूथपेस्ट में थोड़ी सी फिटकरी मिला लीजिए और उससे ब्रश करना शुरू करिए। सूर्य को अर्घ्य आपको देते रहना है और शिव जी के मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करना आप शुरू करिए। तो यही था आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन रघुवेंद्र जी। मैं विजय इसरानी जी का कमेंट देख लेता हूँ कि ये क्यों नहीं आ पाया, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ अभी कि क्या परेशानी रह गई थी कि
कमेंट पूरा नहीं था। देखिए सवाल तो यहाँ पर इतना ही है जो फाइल बनी हुई है। चलिए, मैंने खुद ही सर्च किया इसको, विजय सरानी जी आप कहा जो प्रश्न था ना वो छूट गया था, आधा ही आया था। मैंने खुद ही अभी YouTube स्टूडियो ओपन करके इसको चेक किया, समय लगा बट इसमें मिल गया आपका प्रश्न। विजय सरानी जी, आपकी कुंडली है, आपके बेटे की कुंडली है एक्चुअल में, और आपने नाम नहीं दिया है इनका, चलिए ठीक है। 9 जनवरी 2001 रात के 12:35 और भोपाल मध्य प्रदेश। आप मध्य प्रदेश से ही हैं, भोपाल से, ठीक। विजय जी, आपके बच्चे की कुंडली बनती है कन्या लग्न और मिथुन राशि की। वो दर्शक जो पूछ रहे थे, मैंने कहा था मैं YouTube में कार्यक्रम के माध्यम से बता दूंगा। अगर आप मिल करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से मैं हूँ, तो अगर आप मिल के अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप WhatsApp पर समय ले सकते हैं। तो यही रहेगा प्रक्रिया उसका जो कि रहता है, आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जबलपुर मध्य प्रदेश में अगर आप मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। आपके बच्चे की कुंडली कन्या लग्न और मिथुन राशि की है, आपने यहाँ पर स्टेबल जॉब के बारे में पूछा है, फ्यूचर के बारे में आप वरिड हैं इनके। कन्या लग्न की कुंडली है, गुरु की महादशा इनको चल रही है, अभी 2001 का इनका जन्म है। जहाँ तक मैं इनकी कुंडली को देख पा रहा हूँ, 2022 के अगस्त के बाद में इस कुंडली में नौकरी का योग है और एक स्टेबल जॉब 2025 के बाद में दिखाई दे रही है। हालांकि 2025 से पहले भी 2023 में भी योग है, तो योग है इस कुंडली में, बस आप प्रयासरत होइए, इनसे कहिए प्रयास करें नौकरी के लिए, नौकरी का योग है इस कुंडली में और 2023 के बाद में अच्छी नौकरी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, पुनः अगले सप्ताह एक और नया कार्यक्रम जन्म कुंडली अध्ययन का प्रोग्राम नंबर 21 लेकर के आप सभी के समक्ष में उपस्थित होऊंगा। अगर आप अभी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारी टीम की कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द आपकी कुंडली का अध्ययन यहाँ पे मेरे द्वारा किया जाए। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपने जिन्होंने भी कमेंट देके रखा है, आप देख ही रहे होंगे कि सभी की जन्म कुंडली कमेंट कोई भी नहीं छूट रहा है, सभी जन्म कुंडलियों का अध्ययन यहाँ पर मेरे द्वारा किया जा रहा है। देर लग रही है बस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अब सप्ताह में एक बार कार्यक्रम होता है, 7-8-10 कुंडलियों का अध्ययन होता है और अब कितनी 192-193 कुंडली हम अभी तक देख चुके, तो समय तो लगेगा, बट यहाँ पर हो जा रहा है, सबका हो रहा है। आप डिटेल्स दीजिए और थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए, सभी का हो रहा है यहाँ पे चयन, तो आशा करता हूँ आपका भी होगा। अगर छूट जाता है आपके वीडियो देने के, आपके कमेंट देने के बाद 3 से 4 वीडियोस में भी नहीं आता है, तो आप दोबारा भी दे सकते हैं, वहाँ पे भी चयन, हालांकि रिपीट नहीं होंगे बट आपने दिया है तो उसका चुनाव होने की संभावनाएं 100% बनती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः अगले सप्ताह नया जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम लेकर के उपस्थित होऊंगा, वहाँ पे हम जन्म कुंडली अध्ययन करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, धीरज वाजपेयी जी की। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अगले सप्ताह पुनः उपस्थित होऊंगा, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।